अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रोग्रेस डायलॉग क्या होता है, प्रोग्रेस बार किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, अलर्ट डायलॉग क्या होता है, पॉपअप मेन्यूज क्या होते हैं, इन चारों चीज़ों को हम किस तरह से यूज़ करते हैं एंड्रॉइड के अंदर। सो बेसिक ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जब आप इंटरफेस जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। सो उनको हमने आज डिस्कस करना है कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं या होते क्या। ओके, सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रोग्रेस डायलॉग या प्रोग्रेस बार की, कि दोनों क्या चीज़ें हैं। आपने देखा है जब भी हम डेटाबेस से या कहीं से डाटा फेच कर रहे होते हैं, काफ़ी सारा डाटा आपने निकालना है, या फिर आपको कहीं पर लोडिंग करवानी है, लोडिंग का कोई एक मैसेज डिस्प्ले करना है यूज़र को कि यूज़र यहाँ वहाँ पर थोड़ी देर वेट करे ताकि कुछ डाटा लोड हो रहा है, उसके अगेंस्ट आप क्या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। सो वहाँ पर आपने देखा होगा एक सर्कल सा घूम रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, उसे हम कहते हैं प्रोग्रेस डायलॉग, ठीक है, या दूसरे वर्ड में आप प्रोग्रेस बार भी कहते हैं। ओके, प्रोग्रेस डायलॉग पहले यूज़ होता था, ठीक है, लेकिन अब प्रोग्रेस बार यूज़ होती है। प्रोग्रेस बार के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो आपका रोटेशन होती है, ठीक है, सर्कल की, दूसरी चीज़ हम बार एक यूज़ करते हैं जो कि जिसमें आप डाटा लोड कर रहे होते हैं और परसेंटेज आपको बता रही होती है। सो प्रोग्रेस बार जो परसेंटेज वाली है हॉरिजॉन्टल जो है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डाटा वगैरह फैचिंग पे आएंगे, वहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से बनाते हैं। सो आज हम प्रोग्रेस बार जो आपकी रोटेशन वाली है उसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और दूसरा हम प्रोग्रेस डायलॉग की बात करेंगे कि वो क्या होता है और अलर्ट डायलॉग क्या होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बना रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ किसी भी प्रोग्रेस बार को। सो मैं यहाँ पर पहले तो एक बटन प्रोग्रेस बार बनाते हैं हम, ठीक है। ओके, प्रोग्रेस बार मैंने यूज़ की, विथ इसकी मैच पेरेंट कर रहा हूँ, हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 100 dp, ताकि यहाँ तक मुझे जो है वो प्रोग्रेस बार डिस्प्ले होनी चाहिए। और इसको कोई ना कोई आईडी दे लेते हैं, लाइक मैं इसको आईडी दे रहा हूँ प्रोग्रेस। ओके, आईडी मैंने इसको दे ली प्रोग्रेस बार को, ठीक है। यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रोग्रेस बार को आप कौन सा बनाना चाह रहे हैं, इसका स्टाइल क्या होगा, ठीक है, रोटेशन का, जो भी आपने यहाँ पर यूज़ करना है। सो फिलहाल हम डिफॉल्ट में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा प्रोग्रेस बार को। सो यहाँ पर हमने प्रोग्रेस बार बना ली, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं नीचे एक बटन बना रहा हूँ, ठीक है, बटन की विथ मैच पेरेंट कर देते हैं हाइट रैप कंटेंट, और उसमें टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ कि स्टॉप, कि इसको प्रोग्रेस बार को आपने स्टॉप करवाना है। स्टॉप इन द सेंस कि रोटेशन स्टॉप नहीं होगी, बस इसको हम हाइड कर देंगे स्क्रीन से ताकि हमें पता चले कि प्रोग्रेस बार खत्म हो चुकी है, अब डाटा यहाँ पर लोड हो चुका है, ठीक है। तो डिफॉल्ट में जो आप प्रोग्रेस बार बनाते हैं इसकी विजिबिलिटी यहाँ पर हम सेट कर देंगे प्रोग्रेस बार की, लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जस्ट विजिबिलिटी, और इसको हम कर देते हैं विजिबल, ठीक है। अब विजिबिलिटी का टैग जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, गॉन, विजिबल और इनविजिबल। गॉन का मतलब ये होता है कि स्क्रीन से कम्प्लीटली प्रोग्रेस बार जो है वो ख़त्म हो जाती है। इनविजिबल का मतलब ये होता है कि जस्ट स्क्रीन से प्रोग्रेस बार जो है वो हाइड होगी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आउट नहीं होगी स्क्रीन से, उसका स्पेस या उसका स्ट्रक्चर वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। जबकि विजिबल क्या होता है कि वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इनविजिबल कर रहा हूँ, देखिए मैंने इनविजिबल किया, लेकिन प्रोग्रेस बार का ये ब्लू सा मुझे जो एंकर पॉइंट्स है वो भी डिस्प्ले कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर वहीं पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको गॉन कर देता हूँ, अब देखें तो क्या हो गया, कम्प्लीटली स्ट्रक्चर उसका स्क्रीन से हाइड हो गया। सो इस तरह से हम तीनों को यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको बिल्कुल गॉन कर रहा हूँ डिफॉल्ट में, या स्टार्ट में, या फिर स्टार्ट में आप इसको विजिबल कर दें, ठीक है। ओके, विजिबल होगी। अब बटन पे आते हैं, अभी चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पर मैं अपना जो बटन प्रोग्रेस बार है, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं इनिशियलाइज करवाता हूँ, लाइक इसको मैं दे रहा हूँ प्रोग्रेस बार, ठीक है, और ऑन क्रिएट के अंदर इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करवा देते हैं। प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू फाइंड विब आई डी आर डॉट आई डी डॉट, वहाँ पर आई डी हमने इसको दी थी प्रोग्रेस, ठीक है। ओके, जैसे ही आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी हम क्या करेंगे, आपकी जो प्रोग्रेस बार है उसकी विजिबिलिटी को हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, सेट विजिबिलिटी, और इसको मैं कह देता हूँ कि विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, गॉन, ताकि जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो उसकी विजिबिलिटी होगी नहीं, वो प्रोग्रेस बार शो ही नहीं करेगा। सो नीचे मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मेथड आप क्रिएट कर लें पब्लिक वाइड शो के नाम से, ठीक है, जो भी नाम आप उसको देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ व्यू की क्लास पास कर देते हैं हम, ठीक है, और मेथड पे लगा देंगे ऑन क्लिक लिसनर शो, ठीक है। ओके, अब जैसे ही बटन पे हम क्लिक करेंगे हमने प्रोग्रेस बार को क्या करना है, खत्म करना है बिल्कुल स्क्रीन से। तो हम यहाँ पर इसकी जो विजिबिलिटी है सिंपली उसी को उठाएंगे
और इसी को मैं क्या कर दूंगा, ये क्या हो जाए, अब डिफॉल्ट में तो इसको विजिबल करना था ना हमने, विजिबल, ओके विजिबल कर दिया हमने, और जैसी बटन पे क्लिक होगा तो हम इसकी विजिबिलिटी को क्या कर देंगे, गॉन, कि जैसी बटन पे क्लिक हो तो प्रोग्रेस बार वहीं पर आपकी जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल हाइड हो जाए स्क्रीन से। तो इसको रन करते हैं ज़रा। यहाँ पर देखिएगा प्रोग्रेस बार हमारे पास रन हो रही है, ठीक है। जैसे ही मैं स्टॉप का बटन प्रेस करूंगा प्रोग्रेस बार क्या होगी, हाइड होगी। तो इस तरह से हम प्रोग्रेस बार को यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका भी ये होता है कि हम प्रोग्रेस बार की जगह पे प्रोग्रेस डायलॉग को यूज करें, ठीक है, कि प्रोग्रेस डायलॉग क्या चीज है। ओके प्रोग्रेस डायलॉग पे मैं आ रहा हूँ। सो यहाँ पर एक बटन रहने दूंगा मैं, ठीक है, और जस्ट मेन एक्टिविटी में आते हैं, मैंने प्रोग्रेस बार को हटा दिया। अब मुझे प्रोग्रेस डायलॉग बनाना है। प्रोग्रेस डायलॉग के लिए हम कोई भी एक्सएमएल का फॉर्मेट नहीं हमें बनाना पड़ता, ठीक है, वहाँ पर जाके आप टैग डिक्लेयर करें, बल्कि ये जावा क्लास में एक डिक्लेयर हुआ हुआ मेथड है, क्लास है प्रोग्रेस डायलॉग। सो उसको यूज़ करेंगे, प्रोग्रेस प्रोग्रेस डायलॉग, जिसको भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। इसकी जगह पर प्रोग्रेस बार को हमने इंट्रोड्यूस किया था। सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ डायलॉग, ओके, और इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं, डायलॉग डॉट, ओके प्रोग्रेस डायलॉग जो होता है ये, इसको आपने जब भी इनिशियलाइज करना है तो फाइंड व्यू बाय आईडी से नहीं, यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये क्लास है, इक्वल टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, ठीक है, और उसमें हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं कि किस एक्टिविटी में आप इसको डिक्लेयर करने लगे हैं। ओके अब जैसे ही हम मेथड पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, तो हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो स्टार्ट हो जाए खुद ब खुद, ठीक है। ओके अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायलॉग डॉट, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने इस डायलॉग को कोई ना कोई टाइटल या मैसेज अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ सेट टाइटल, ठीक है, ओके। टाइटल को मैं स्ट्रिंग में यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ माई प्रोग्रेस, ये मैंने उसका एक टाइटल डिफाइन कर दिया। दूसरी चीज़ हम इसमें डिफाइन करते हैं डॉट सेट मैसेज, कि आपने कौन सा मैसेज जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करवाना है इस प्रोग्रेस डायलॉग के अंदर। सो मैं यहाँ पर कहता हूँ प्लीज़ वेट, कोई भी मैसेज आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। थर्ड वन चीज़ हम क्या डिफाइन करते हैं, डायलॉग को कोई ना कोई आइकन अगर आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, लाइक मैं अप्लाई करवाने जा रहा हूँ डॉट सेट आइकन, ठीक है, ओके। आइकन आएगा कहाँ से, आर डॉट ड्राइबल डॉट, ड्राइबल में जो भी आपने आइकन रखा होगा, लाइक मैंने वहाँ पर लोगो रखा हुआ है, तो मैं उस लोगो को एज एन आइकन इसके अंदर सेट कर देता हूँ। फोर्थ वन चीज़ हम इसमें डिस्प्ले करते हैं डॉट सेट कैंसिलेबल। कैंसिलेबल क्या चीज़ है, कि देखिए प्रोग्रेस डायलॉग जब आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, तो उसके डिस्प्लेइंग के दौरान आप स्क्रीन के किसी और पोर्शन पे अगर टैप करते हैं या क्लिक करेंगे किसी बटन पे, तो ये हाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा प्रोग्रेस डायलॉग। सो उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए कि आप टैप भी करें किसी और स्क्रीन पर और ये रिमूव भी ना हो, तो हम इसको कर देते हैं फॉल्स, कि कैंसलेबल नहीं होना चाहिए आपका प्रोग्रेस डायलॉग, ठीक है। सो उसको हम यहाँ पर सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने डायलॉग को नंबर फिफ्थ में करवाना है डॉट शो, ठीक है। अब डायलॉग आपका स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद अगर ये डायलॉग स्टार्ट रहेगा जब तक आप इसको डिसमिस नहीं करते, ठीक है, इस डायलॉग को अगर आपने डिसमिस करना है, कोई बटन प्रेस करेंगे आप या कुछ भी करेंगे, सो सिंपली आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक और बटन बना देता हूँ, ठीक है, बल्कि बटन तो वहाँ पर शो ही नहीं होगा हमें। सो अगर आपने इसको डिसमिस करना है, डिसमिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायलॉग डॉट डिसमिस, ठीक है, ये आप लाइन लिखेंगे तो पूरा डायलॉग आपका वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि प्रोग्रेस डायलॉग रन हो, ठीक है, और रन होते हमें नज़र आए कि किस तरह से शो होता है प्रोग्रेस डायलॉग में। सो उसको रन करते हैं। ओके जैसे ही हम बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, प्रोग्रेस डायलॉग रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि वो लोगो भी सेट हो गया उसका, ठीक है, टाइटल भी सेट हो गया माय प्रोग्रेस, और नीचे क्या किया उसने, एक मुझे मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया प्लीज़ वेट, और उसके साथ क्या प्रोग्रेस। अब मैं स्क्रीन के किसी भी पोर्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड नहीं होगा, ठीक है, एल्स की मैं एप्लीकेशन क्लोज करूँ। सो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रेस डायलॉग को अपने किसी भी स्क्रीन के ऊपर। सो अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब बात करते हैं अलर्ट डायलॉग्स की, कि अलर्ट डायलॉग क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अलर्ट डायलॉग होता क्या है, कि जैसे ही आप यूज़र कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और वो सक्सेसफुली नहीं होता, तो यूज़र को एक अलर्ट डायलॉग ओपन करवा दे, ठीक है, जिसके अंदर दो बटन्स होते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं कि आप क्लिक करना चाह रहे हैं, ओके करना चाह रहे हैं, कैंसिल है, ये एरर आ रहा है जिस वजह से आपकी आपका जो ऑपरेशन है या टास्क है वो परफॉर्म नहीं हो रहा। सो उसको हम किस तरह से यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके बटन को मैं यहाँ पर वैसे ही रखता हूँ, स्टिल वहाँ पर है बटन मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ
यहाँ पर मुझे अलर्ट डायलॉग जो है उसको डिस्प्ले करना है यूज़र को, ठीक है। ओके, अलर्ट डायलॉग के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल मैं जैसे ही बटन पे क्लिक होगा मैं वहाँ पर अलर्ट डायलॉग को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। सो मैं बटन में आऊँगा, यहाँ पर आगे सबसे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ता है अलर्ट डायलॉग की क्लास को, ठीक है, जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पर। सो अलर्ट डायलॉग के लिए सबसे पहला काम तो आप ये करते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अलर्ट डायलॉग, ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं इक्वल टू डायलॉग इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अलर्ट डायलॉग का, क्योंकि एक्सएमएल की क्लास नहीं है, जावा की क्लास है। न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, ठीक है, और बिल्डर के अंदर हम पास करते हैं कॉन्टेक्स्ट कि किस एक्टिविटी में रहते हुए आपने जो है अलर्ट डायलॉग को स्टार्ट करवाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि अलर्ट डायलॉग जो है उसके अंदर हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे डॉट बिल्डर, ठीक है। ओके, ये अलर्ट डायलॉग जो है वो हमने क्या कर दिया, एक डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब इस अलर्ट डायलॉग को आपने क्या करना है, इसके अंदर चीज़ें सेट करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें आप कैसे कैसे सेट करना चाह रहे हैं, लाइक बिल्कुल प्रोग्रेस डायलॉग की तरह। यहाँ पर हम सेट करेंगे डायलॉग डॉट सेट टाइटल, ठीक है, इसमें टाइटल सेट करते हैं आप, लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वही माई प्रोग्रेस। सो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा उसको मैसेज सेट करते हैं डॉट सेट मैसेज, ठीक है। ओके, लाइक मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, कोई भी मैसेज आप सेट कर सकते हैं। ओके, लास्ट में मुझे क्या करना है, डायलॉग डॉट सेट आइकन, डॉट लोगो, कुछ भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ओके, इसमें भी वही चीज़ है कि हम कैंसलेबल को फॉल्स कर देंगे, डॉट सेट कैंसलेबल, और इसको हम क्या करेंगे फॉल्स। अब यहाँ पर अब आपको डायलॉग का करना है, डायलॉग को आपको स्टार्ट करवाना है, शो भी करवाना है, तो उसके लिए हम ये इस तरह नहीं इसको स्टार्ट करवाते, बल्कि इसके अंदर आप सबसे पहले आप अपने बटन्स डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से बटन भी आपने डायलॉग के अंदर ऐड करने हैं। सो अलर्ट डायलॉग के अंदर जो बिल्ट इन बटन है वो तीन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल बटन। न्यूट्रल बटन में आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉजिटिव क्या होता है कि मतलब आपने ओके किया तो आप कहीं और मूव करेंगे, कैंसिल करेंगे तो उसमें कुछ और रख सकते हैं, आप डायलॉग कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, सो इस तरह का। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डायलॉग डॉट सेट पॉजिटिव बटन, ठीक है, मुझे कोई भी पॉजिटिव बटन इसके साथ सेट करना है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ डॉट सेट पॉजिटिव बटन, ठीक है। अब सबसे पहले बटन को आप बताते हैं कि आप नाम क्या रखेंगे, लाइक मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ ओके कॉमा न्यू, न्यू के बाद जस्ट आप इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको डायलॉग इंटरफेस का एक जो लिसनर है वो बिल्ट इन डिफॉल्ट, उसको हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर इसके मैथड इंप्लीमेंट करने हैं, ऑल्ट इंटर प्रेस करें, इंप्लीमेंट मैथड्स ऑन क्लिक, ठीक है, ये मैथड आ गया हमारे पास। सो ये एक बटन हमने क्रिएट कर लिया अपने डायलॉग के अंदर। अब इस बटन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर टोस्ट प्रिंट करवा देता हूँ कि क्लिक्ड, के बटन को आपने क्लिक किया, और लास्ट में आकर आपको क्या करना होता है, डायलॉग डॉट यहाँ पर इसको हम बिल्ड करेंगे, जस्ट शो कर देंगे जस्ट। सो इससे क्या होगा कि आपका डायलॉग जो है उसको हम क्या कर देते हैं, स्क्रीन पर शो करवा देते हैं। सो इसको रन करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे हम, सो ये एक डायलॉग मेरे पास ओपन हुआ है जिसमें ये सब कुछ वैसे ही टाइप हो गया, एक अलग डायलॉग बन गया। बाहर क्लिक करेंगे नहीं, जैसे ही ओके पे प्रेस करेंगे एक तो बटन क्लिक हुआ और साथ ही डायलॉग क्या हो गया मेरे पास, डिसमिस हो गया। सो इस तरह से अलर्ट डायलॉग को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो था सिंपल अलर्ट डायलॉग, या इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं होती। समटाइम्स आपने अलर्ट डायलॉग ऐसे भी देखे हैं कि जिनमें कुछ कस्टम व्यूज़ भी ऐड हुए होते हैं, ठीक है, लाइक उसमें एडिट टेक्स्ट, आप डायलॉग के अंदर कुछ वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं, उधर से कुछ चूज़ भी कर सकते हैं। सो वैसा डायलॉग किस तरह से हम बनाएंगे, ओके, वैसे डायलॉग बनाने के लिए सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक अलग डायलॉग बनाना है और उसके अंदर मुझे डेट पिक कर रखनी है, मुझे वहाँ से कोई डेट पिक करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी रख सकते हैं उसके अंदर। अब वो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, वैसा अगर अलग डायलॉग आपको क्रिएट करना है उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक लेआउट क्रिएट करना पड़ता है। लाइक मैं यहाँ पर एक लेआउट क्रिएट कर रहा हूँ, लेआउट रिसोर्स फाइल, इसको मैं नाम दे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेट पिक करनी है, डेट डायलॉग, ठीक है। सो के यहाँ पर मैं लीनियर लेआउट यूज़ कर लेता हूँ, एक लेआउट यूज किया मैंने, ओके, ये एक लेआउट मेरे पास बन गया। यहां से मैं डेट पिकर को उठाता हूं,
ये आ गया मेरे पास, और लाकर इसमें पेस्ट कर देते हैं। ये डेट पिकर मैंने यूज़ कर लिया कहाँ पर, अलग डायलॉग के अंदर। सो मेरे पास ये एक डेट पिकर भी है, ठीक है, ये बन गया मेरे पास। अब मुझे इसको यूज़ करना है किसमें, अलर्ट डायलॉग के अंदर। सो मैं जाता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, जहाँ पर आपने ये अपना अलर्ट डायलॉग यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसी अलर्ट डायलॉग के अंदर रहते हुए जहाँ पर आइकन वगैरह आपने सेट कर लिए हैं, पॉजिटिव बटन से पहले पहले जहाँ पर आप डायलॉग के अंदर अपना एक व्यू सेट कर देते हैं, जो कि आपने लेआउट क्रिएट किया हुआ है। किस तरह से, लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ व्यू, व्यू की क्लास यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम दे लेता हूँ डायलॉग व्यू, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहां पर इन्फ्लेटर की क्लास को यूज करते हैं। ये देखिए व्यू डॉट इन्फ्लेट, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। खाली आप इन्फ्लेटर की क्लास भी यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेटर की क्लास आपको यूज करनी है तो आप व्यू से पहले क्या करेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है, यहां पर हम यूज करते हैं इन्फ्लेट इज इक्वल टू। अब यहां पर क्या करना है, आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लेआउट इन्फ्लेटर का, जो कि आप यहां पर बना रहे हैं। वो किस तरह से होगा, यहां पर हम यूज करेंगे कि किस एक्टिविटी में ये डायलॉग क्रिएट होगा, ठीक है, दिस डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है। अभी हम उस लेआउट को, इसका मतलब ये होता है कि उस लेआउट के अंदर कुछ आपने मजीद एडिशन करनी है। लेआउट इन्फ्लेटर की क्लास ये काम कर रही है बेसिकली। सो इन्फ्लेट, उसको हमने खाली इन्फ्ला का नाम दिया हुआ है, इन्फ्लेट कह देते हैं इसको, ठीक है, ओके। यहाँ पर भी हम यही यूज़ करेंगे, इन्फ्लेट इन्फ्लेट डॉट इन्फ्लेट का मेथड प्रॉपरली जो कि एंड्रॉइड में यूज़ हो रहा है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ये काम भी कर सकते हैं, आपने इन्फ्लेट नहीं यूज़ करना, आप डायरेक्टली यहाँ भी यूज़ कर ले लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, ये काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल हमने ये काम किया डॉट इन्फ्लेट, ओके। अब इसके अंदर क्या करना है, इसमें आपको कंप्लीट अपना लेआउट पास करना है, जिस लेआउट को आपने बनाया है कहाँ पर, वो डेट पिकर के नाम से। सो वो किस तरह से हम पास करेंगे, यहाँ पर आप जस्ट लिखेंगे आर डॉट लेआउट डॉट, ठीक है। अब उसको हमने क्या दिया हुआ था, डेट डायलॉग के नाम से, तो वो लेआउट आपने यहाँ पर पास किया। और लास्ट में हम कॉमा में पास करेंगे नल, के रूट एलिमेंट नहीं हम इसको बनाना चाह रहे, रूट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, रूट डिफॉल्ट जो भी आपने एक्टिविटी बनाई हुई है वही आपकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। सो ये आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद आपने अपने डायलॉग के ऊपर इस व्यू को सेट करना होता है। सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डायलॉग डॉट सेट व्यू, ठीक है, और इस व्यू के अंदर मैं पास कर देता हूँ डायलॉग व्यू। सो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ। अभी देखिएगा जैसे मैंने स्टार्ट करवाया तो उस पूरे प्रोग्रेस डायलॉग के अंदर क्या आ गया, मेरे वाला जो कि मैंने व्यू क्रिएट किया हुआ था वो व्यू क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। सो इस तरह से भी आप अलग डायलॉग को यूज कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में रहते हुए, ओके। अभी लास्ट में हमारे पास चीज़ है पॉपअप मेन्यूज। पॉपअप मेन्यूज किस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड्रॉयड में। सो मैं यहाँ पर अलग डायलॉग को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, आप पॉपअप मेन्यू पे आते हैं, इसको भी खत्म करते हैं, ओके। अभी एक बटन मेरे पास बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे जैसे ही क्लिक होगी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट सी क्रिएट हो मेरे पास, जिसमें कुछ ऑप्शंस हो, मैं उन ऑप्शंस को चूज कर सकूँ, ठीक है, पॉपअप मेन्यू के लिए। सो उनको आपने किस तरह से यहाँ पर बनाना है उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले हम पॉपअप मेन्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, बटन हमने क्रिएट कर लिया, हमें एक मेन्यू लिस्ट चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ ना कुछ मेन्यूज अपने रखे हों, जिन मेन्यूज को हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो वो आप कहाँ पर करेंगे, रिसोर्सेज में जाते हैं, मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यानी कि डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे हम, ठीक है, और उसको नाम दे रहा हूँ मैं मेन्यू का, ताकि जितने भी मेन्यूज हैं मैं इस डायरेक्टरी में रख सकूँ। सो इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, यहाँ पर आ गया मेन्यू रिसोर्स फाइल। सो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, ओके, मैं इसको नाम रख देता हूँ माई मेन्यू, ठीक है, माई मेन्यू, ओके, वर्ड सब आपने स्मॉल लिखने हैं, सो माई अंडरस्कोर मेन्यू, और इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये एक मेन्यू क्रिएट हो गया मेरे पास। अब इस मेन्यू के अंदर आपको मजीद आइटम्स ऐड करने हैं, कौन कौन से आइटम आप इस मेन्यू में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आइटम, ठीक है। अब जो भी आइटम आप बनाओगे उसकी आईडी और उसका टाइटल देना मस्ट है, ठीक है। आईडी मैं इसको यहाँ पर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद इसको टाइटल दे देंगे हम यहाँ पर, ओके। टाइटल मैं इसको दे रहा हूँ लाइक पाकिस्तान, ठीक है, ओके। ये क्या किया, मैंने एक आइटम क्रिएट कर लिया, यहाँ पर आपको नज़र भी आ गया होगा कि वो एक आइटम क्या बन गया, उसने मेन्यू की फॉर्मेट में मुझे डिस्प्ले किया। सो इसी तरह से मैं दो तीन आइटम या पांच आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और हर आइटम को आईडी चेंज कर देते हैं, मैं इसको फर्स्ट वन टू थ्री और फोर का नाम दे रहा हूँ,
सो पाकिस्तान, कोई भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो ये मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हुई है, मैं देखता हूँ कि इस लिस्ट को मैं किस तरह से डिस्प्ले कर सकता हूँ स्टूडियो में। सो मेरा क्लिप जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, आप इस बटन पे क्लिक होने के बाद मैं उस पॉपअप मेन्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये काम करना है कि मुझे उस पॉपअप मेन्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसके बाद ही मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो ऐड कर सकता हूँ उस पॉपअप मेन्यू के ऊपर। सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ पॉपअप मेन्यू, ठीक है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ यहाँ पर, आप कुछ भी लाइक पॉपअप का नाम दे लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू आ गया मेरे पास, ठीक है, इसको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट पास करना है, हम अभी मेन एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर अब आप व्यू पास करेंगे कि किस बटन पे क्लिक हुआ है तो ये पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। लाइक हमारे पास अभी तक ये व्यू बना हुआ है, ठीक है, इस व्यू पर जो भी क्लिक हो गया ऑब्जेक्ट आ रहा है उसी के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं इस व्यू को पास कर दूंगा, ठीक है। सो ये एक पॉपअप मेन्यू मैंने बना लिया। अब इस पॉपअप के अंदर मुझे क्या करना है, वही इन्फ्लेटर वाला काम करना है कि अपना लेआउट इसके अंदर सेट करना है। सो मैं यूज़ करूँगा पॉपअप डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर, क्योंकि मैंने इसके अंदर अब क्या करना है, मेन्यूज ऐड करने हैं। सो मेन्यू इन्फ्लेटर को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके, डॉट इन्फ्लेट। अब इस इन्फ्लेट के अंदर आप क्या करेंगे, इन्फ्लेट के अंदर आपको वो अपना लेआउट पास करना है जो कि आपने मेन्यू के अंदर क्रिएट किया हुआ है पॉपअप के लिए। सो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ आर डॉट मेन्यू डॉट, ये आ गया माई मेन्यू, ठीक है। सो ये मेन्यू हमने यहाँ पर क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब दूसरी चीज़ में आपको पास करनी होती है, कॉमा डालेंगे आप, ठीक है, पॉपअप डॉट गेट मेन्यू, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कि हम उस मेन्यू को गेट भी कर सकें इस पॉपअप के अंदर, जिसको आपने क्रिएट वहां पर कर दिया उसको हमने यहां पर डिस्प्ले करना है। सो अब नीचे आते हैं, अब इस तरह से पॉपअप तो आपका यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक मैं यहां पर यूज़ कर लेता हूं पॉपअप डॉट शो, ठीक है, जैसे हम यहाँ यूज़ करते हैं पॉपअप डॉट शो, अब इसे क्या होगा, आपका पॉपअप तो शो हो जाएगा स्क्रीन पर, लेकिन अब उस पॉपअप पे अगर हम क्लिक करते हैं आप किसी भी आइटम पर, तो क्लिक से आपको उसका रिजल्ट किस तरह से मिलेगा, वो कैसे आपने लेना है। सो लिसनर्स अभी तक हमने नहीं पढ़े, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लिसनर्स को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मैं बेसिक एक लिसनर की बात कर रहा हूँ, पॉपअप डॉट सेट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर, के मेन्यू के किसी भी आइटम पर क्लिक हो तो हम किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। सो यहाँ पर आप जस्ट न्यू टाइप करें कंट्रोल स्पेस, ठीक है, पॉपअप डॉट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर, ऑल्ट एंटर करेंगे इस पर तो हम इसके मेथड्स को इंप्लीमेंट कर लेंगे, और मेन्यू आइटम क्लिक ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे ही क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद आपको इसमें से क्या निकालना होता है कि उस आइटम का जो भी टाइटल था वो आपको यहाँ पर गेट करना है। सो मैं यहाँ पर एक टोस्ट प्रिंट करवा देता हूँ कि जैसे ही क्लिक होगा तो हमें उस आइटम का जो टाइटल है वो यहाँ पर मिल जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, इसमें क्या आ रहा है आइटम, ठीक है, ये ऊपर मेन्यू आइटम आ रहे थे, इसी को मैंने यूज़ किया मेन्यू आइटम डॉट गेट टाइटल, ठीक है। अब मेन्यू का जो भी टाइटल आपने लिखा होगा उसको टाइटल आपने दिया, वो टाइटल हम लाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। इस तरह से भी आप जो पॉपअप मेन्यूज हैं वो एंड्रॉइड में डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइक इसको भी मैं रन करता हूँ, ओके, यहाँ पर वो हमें एरर दे रहा है कुछ एट्रीब्यूट्स के अंदर कि कहीं ना कहीं आपने आईडीज देते हुए मिस्टेक की हुई है। सो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आईडीज में हमारी कहाँ पर मिस्टेक है। लाइक मैं इसको दे लेता हूँ M1, ठीक है, M2, M3, M4 एंड M5। ओके, आईडीज एक तो हमने दी गलत है, ठीक है, आईडीज को आपने यहां पर क्या करना था, एक तो यूज करना था एट द रेट ऑफ प्लस आईडी, ठीक है, और उसके बाद आईडीज जो थी वो आपकी अप्लाई होनी थी। सो यहां पर ये हमने मिस्टेक की हुई थी, सो इसको भी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर आईडीज, और उसके बाद रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा मैं तो क्या होगा कि ये कंप्लीट एक लिस्ट मेरे पास डिस्प्ले कर दिया। पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, यूएसए पे क्लिक करेंगे। इस तरह से पॉपअप मेन्यूज भी आप बना सकते हैं एंड्रॉइड में रहते हुए किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। सो आज के लेक्चर में यही हमने चीज़ें सीखनी थी कि प्रोग्रेस डायलॉग बार और पॉपअप मेन्यूज, इनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉइड में।